हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 वहां से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन तक, ठीक है। कम्प्लीट एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है। वर्टिसेस दिए गए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तीनों हैं हमारे पास, और आपको क्या बताना है, क्या बताना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मान लीजिए अगर ये ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1, 0, 6, 0 और 4, 3, तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ कोऑर्डिनेट्स, आप लिख लीजिए 1, 0, 6, 0, 4, 3। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया था। अब आपको पता है यहाँ पर देख सकते हो आप C2, ये जो C2 है आप इसके थ्रू इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप C2 के थ्रू एक्सपेंड कर लीजिए डिटरमिनेंट और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं 0, 0 के लिए तो 0 ही वैल्यू आने वाली है, और 3 के लिए वैल्यू क्या आने वाली है, हाफ 3 के लिए वैल्यू आने वाली है 1 माइनस 6। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 1 × 1 मल्टीप्लाई हुआ है और -6 मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पोजीशन A32 थी, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो -3 था, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। -3 × -5 कितना वाला है, 15 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये वैल्यू आ गई है किसके लिए, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हमें सेकंड पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सिंपल उसी तरीके से फॉर्म लगाते हैं हाफ, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 7, 1, 1, 10, 8, यहाँ पर थर्ड कॉलम आपकी 1, 1, 1। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम R1 के थ्रू ही एक्सपेंड करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये हाफ एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 और -8, 1 - 8। ऐसे ही यहाँ पर -7 और 1 × 1 - 10। ऐसे यहाँ पर +1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 × 8 और 10 × 1। तो ये +1 के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर 8 - 10। अब हम इनको सोल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, -7 × 2 - 14 - 9 × 7 + 63 - 2 ½, ये एज इट इज। अब यहाँ पर ये क्या आ जाता है, 63 में से 16 आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाता है आपके पास 7 और 5 में 4, 47/2। तो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया आ गया है सेकंड के लिए। हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड के लिए। पार्ट नंबर थर्ड के लिए भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। आप ट्राइंगल लिख लीजिए 1/2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1 - 8 एज इट इज, थर्ड कॉलम 1, 1, 1। एक्सपेंड कर दीजिए आप फर्स्ट रो के लिए, आप किसी भी रो के थ्रू या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे आपको लगता है इजी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं -2 एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 × 1 और +8, और यहाँ पर ये +3 हो जाता है, 3 × 1, 3 और +1, और ऐसे ही +1 के लिए क्या हो जाता है, 3 × -8 मतलब -24, और -± फिर से 2 हो जाता है। अब यहाँ पर ये आंसर क्या आ गया है, 10 × 2 - 20 और +4 × 3 = 12, -24 + 2 - 22, यहाँ पर -20 और -22 - 42 + 12/2, और ये कितना हो जाता है, -30/2 - 15, और आपको पता है एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया क्या होता है 15, यहाँ पर ये +15 हो जाएगा, 15 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी आर कोलिनियर। हमें करना है कि ये पॉइंट्स, ये शो करना है कि ये पॉइंट्स तीनों क्या है, कोलिनियर है। अब आप कोलिनियर कैसे शो कर सकते हो, हमें पता है कि जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जीरो होता है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ट्राइंगल का एरिया किसकी यूज से, डिटरमिनेंट की यूज से। आपको पॉइंट्स पता है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी प्लस सी और बी सी प्लस ए,
सी ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम हो जाती है 111। अगर आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लीकेटेड लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 111 आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद इसको 00 बना सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लगा दिया है R2 में R2 माइनस R1 और लगा दिया है R3 में R3 माइनस R1, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, हाफ एज इट इज, और फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहने वाली है ए प्लस बी प्लस सी 1, और यहाँ पर बी माइनस ए, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस 1 0, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर सी माइनस ए, और यहाँ पर बचता है बी से बी कैंसिल तो ए माइनस सी और 0। अब ये बच गया है आपके पास रिमेनिंग। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप देख सकते हो यहाँ से सेकंड रो में से बी माइनस ए और थर्ड रो में से सी माइनस ए आप कॉमन ले सकते हो, तो इसके बाद कॉमन लेने के बाद आपके पास जो टर्म बचती है वो क्या आ जाएगी, हाफ ए माइनस बी और बी सी माइनस ए, यहाँ पर आपके पास बचता है ए बी प्लस सी 1। अब यहाँ पर जो था बी माइनस ए था तो यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 1 और 0, 1 माइनस 1 0, ये आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया है। अब आपको देखना क्या है, कुछ नहीं देखना, यहाँ पर R2 और R3 को ऐड कर देना है, और जब आप R3 में ऐड करते हो R3 प्लस R2 तो आपके पास क्या बन जाता है, हाफ ए माइनस बी और सी माइनस ए, ए बी प्लस सी 1 माइनस 1 1 0, जब आप माइनस 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0, ये 0 और ये 0, और आपको पता है पूरी एक रो क्या हो गई है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितना होने वाली है 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि इसका जो एरिया है वो क्या है 0 है, तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि ये क्या हो गया है कोलिनियर। तो नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एरिया ट्रायंगल दिया गया है, 4 कोऑर्डिनेट्स और वर्टिसेस दिए गए हैं K0 4002, तो हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखी है मैट्रिसेस में। अब हमें पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है, 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस 8। हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको C2 के थ्रू, तो यहाँ पर आपको पता है ये माइनस हो जाएगा, ए 3 2 है तो माइनस 2, और के इंटू 1 के और माइनस 4 के माइनस 4। अब ये के माइनस 4 आपको यहाँ पर पता चल गया ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर होने वाला है ये के माइनस 4 इंटू माइनस 2 के इक्वल। अब के माइनस 4 की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 2 इंटू के माइनस 4 की वैल्यू प्लस 8 भी हो सकती है, अगर प्लस 8 होने वाली है इसकी वैल्यू तो यहाँ पर देखो आप ये माइनस 4 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर k की वैल्यू होने वाली है यहाँ पर माइनस 8 तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये k की वैल्यू हो जाती है 8, तो k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू 8 हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इस तरीके से ही है, आपको पता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 0 0 4 0 के हैं, और यहाँ पर ये 1 1 1 तीनों 1 हैं, और अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है प्लस माइनस 4 है, तो आप यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस 4 लिख लीजिए एज इट इज, इसको एक्सपेंड कर दीजिए माइनस 2 के अक्रॉस, यहाँ पर ये सी 1 के अक्रॉस, तो ये माइनस 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस के, आप यहाँ पर ले लीजिए प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 4 माइनस के। अगर आप लेते हैं प्लस 8 तो ये वैल्यू आते हैं माइनस 2 इंटू 4 माइनस के, मतलब माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस के, तो माइनस के की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस 8, और के की वैल्यू हो जाती है 8। इस तरीके से ही यहाँ पर अगर आप लेते हैं माइनस 8, माइनस 8 के लिए वैल्यू होने वाली है माइनस 2 इंटू 4 माइनस के, और ये हो जाती है 4 इक्वल्स टू 4 माइनस के, और के की वैल्यू हो जाती है 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो हमें पता है लाइन के लिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 0, तो यहाँ पर फिर से हमें वही कंसेप्ट लगाना है, हमने लिख दिया यहाँ पर वर्टिसेस 1 2 1 और 3 6 1, और हमने नेक्स्ट मान लिया है जो थर्ड वर्टिसेस है वो एक्स वाई अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हमें पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा 1 2 1 3 6 1 और एक्स वाई 1, एक्सपेंड कर देते हैं C1 के अक्रॉस एक्सपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर यार आपको पता है ये होता है प्लस माइनस प्लस C1 के अक्रॉस, और 1 के लिए होने वाला है 6 माइनस वाई, और ऐसे ही माइनस 3 के लिए होने वाला है माइनस 3 के लिए 2 माइनस वाई,
और प्लस एक्स के लिए वैल्यू होने वाली है 2 माइनस 6, और ये इक्वल टू क्या है 0, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 3y प्लस 2x एंड माइनस 6x। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद 3y माइनस y हो जाता है 2y, और 6 माइनस 6 कैंसिल, और ये बच जाता है आपके पास -4x + 2y = 0 और 4x = 2y, और यहाँ पर y = 2x आपके पास इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट। अब ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड के लिए भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का एरिया 0 होता है 3 1 9 3, और नेक्स्ट मान लेते हैं एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपके पास 1 1 1। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं इसको, अब ले लेते हैं R1, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हो जो आपको इजी लगता है। ये वैल्यू 0 है, 2 इधर आने के बाद 0 हो जाएगा, 3 × 3 - y - 1, ये 9 × 9 - x + 1, और ये 9y - 3x, ये आ जाता है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 9 - 3y - 9 + x + 9y - 3x, और ये इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखो 9 - 9 कैंसिल हो जाता है, -3y + 9y = 6y, और 6y = क्या आ जाता है यहाँ पर, ये आ जाता है -3x + x - 2x, इधर जाने के बाद 2x आ जाएगा, और x = 3y आ जाता है आपके पास। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट्स, वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, वैल्यू बतानी है k की। तो सिंपल हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2 - 6 - 5 - 4 - k - 4, और ये 1 1 1, और यहाँ पर आप ट्राइंगल की वैल्यू आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू ±35 है। अब यहाँ पर ये ±35 = 1/2 × 2 × 4 - 4, तो ये 4 - 4, और आप इसको ले लीजिए +6 (5 - k) + 1, और 20 - 4 k। अब ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 0, और 6 × 5 = 30 (6 × 5 = 30 - 6 k + 20 - 4 k), और ये इक्वल टू है ±35 k। अब आपको पता है यहाँ पर 30 और +20 = 50 हो जाएगा, और ये -10 k, और ऐसे ही ये किसके इक्वल होने वाला है ±70 k। अब हमें दो वैल्यूज लेनी है +35 और -70 और यहाँ पर -70, और ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है 50 - 10 k, और ये भी वैल्यू 50 - 10 k के इक्वल है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर -10 k एज इट इज, प्लस वैल्यू है तो यहाँ पर ये जाने के बाद 20 हो जाएगा, और यहाँ पर k की वैल्यू आ जाती है -2। ऐसे ही यहाँ पर ही -120 = -10 k, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12। तो 12, -2 वैल्यू आ गई है। इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। सभी वीडियोज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। थैंक यू।